Welcome friends in this channel. Today I will discuss what is 1 ampere. दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों का कवर करेंगे 1 ampere क्या होता है. So let's ampere करेंट जो है उसे मेजर किया जाता है ampere में. तो पहले जान लेते हैं करेंट क्या होता है. What is करेंट, इसको अगर डिफाइन करेंगे करेंट को तो कहेंगे द रेट ऑफ फॉलो अप चार्ज इज नोन एज करेंट, इज नोन एज करेंट. चलिए लिख देते हैं पहले इसको. चलिए कंप्लीट हो गया डिफिनेशन, द रेट ऑफ फॉलो अप चार्ज इज नोन एज करेंट. फ्रेंड्स एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करेंट, एसआई यूनिट ऑफ करेंट क्या होता है, एम्पियर होता है. क्या होता है, एम्पियर. अगर करेंट के मैथमेटिकल फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखेंगे तो होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहां आई है वो करेंट हुआ, क्यू है चार्ज हुआ और टी है वो टाइम हुआ. अब चलिए चलिए करेंट को अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो क्या कहेंगे. करेंट अगर हिंदी में परिभाषा डिफिनेशन दे तो यह कहेंगे इलेक्ट्रॉन के सतत यानी कंटिन्यू फॉलो प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं. अच्छे से कहेंगे इलेक्ट्रॉन के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं. चलिए अब बात करते हैं 1 ampere. 1 ampere इज इक्वल टू क्या होता है, 1 coulomb अपॉन 1 second. यानी 1 ampere इज इक्वल टू होता है 1 coulomb बाय 1 second. और आपके माइंड में एक नया क्वेश्चन फिर से अगेन क्रिएट होता होगा कि 1 coulomb जो है वो क्या होता है और कितना बराबर होता है. 1 coulomb जो होता है, 1 coulomb इज इक्वल टू होगा 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन. यानी कहीं 1 ampere लिखा रहेगा तो समझिएगा इतना इतना है, इतना इलेक्ट्रॉन उसमें फॉलो कर रहा होगा. तो अगर कहीं लिखा रहता है 2 ampere 3 ampere तो समझ लीजिए 2 ampere रहेगा तो इससे मल्टीपल, 2 बार मल्टीपल होगा, 3 रहेगा तो 3 बार मल्टीपल होगा. मतलब जितना बढ़ते जाएगा एम्पियर उतना इससे मल्टीपल होते जाएगा. चलिए आपको एक डीसी में वाट निकालना सिखाते हैं. वाट यानी पावर कैसे निकालेंगे, किसी चार्जर में दिया गया रहता है आउटपुट इतना है करंट इतना है तो कैसे निकालेंगे. तो चलिए एक छोटा सा चार्जर दिखा रहे हैं जिसमें आपको दिया रहेगा तो कैसे वाट निकालिएगा. देख यहाँ दिया गया है आउटपुट 5 volt, आउटपुट 5 volt, वोल्ट दिया गया 5 ampere दिया गया है 2 ampere. तो इसका कितना वाट आउटपुट सप्लाई दे रहा है वो इसको फाइंड करते हैं. यही दिया गया है वोल्ट दिया गया था 5 volt और करेंट दिया गया था 2 ampere. तो आप सब जानते हैं पी इज इक्वल टू होता है वी आई, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. तो कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला पर आप मान को रख देना है. वैल्यू है 5 और करेंट का दिया गया है 2. पी इज इक्वल टू 10 watt, ये 10 watt आउटपुट सप्लाई दे रहा है. आपके माइंड में फिर से एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता होगा, 1 watt, 1 watt कितना होता है, 1 watt 1/1000 kilowatt होता है. इसे देखते होंगे 1000
ग्राम है तो एक केजी लिखाता है। इसी तरह एक वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलो वाट होता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर डीसी में, डीसी यानी डायरेक्ट करंट में एक एम्पियर अगर कहीं लिखा रहे, कितना एक एम्पियर अगर आपसे पूछा जाए कितना वाट होता है, तो आप क्या कहेंगे 250 वाट होता है। डीसी के लिए है, डीसी में अगर एक एम्पियर दिया रहता है तो उसका मतलब होता है वाट में 250 वाट। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।